मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने जनसंपर्क शुरू कर दी गई है। जनता को लुभाने के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है। दावों और वादों बयानबाजी जारी है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल छतरपुर जिले के द्वारे पर बमीठा पहुंची, जहां महिला कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना को लेकर महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर आप देख रहे हैं और जिनसे मिलना चाह रहे थे तो ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तो किसी की साइकिल उठा के ले जा रहे हैं, किसी की मोटरसाइकिल जब्त कर रहे हैं, किसी के अगर सरकार लागू कर रही है उसका उसको लेके क्या कहना है? देखिए, लाडली बहना पहले सुरक्षित तो रहे, तब तो कोई योजना का लाभ होगा। और उनने इस योजना में जितनी शर्तें लगा दी है, 60 साल वाली को नहीं मिलेगा, 2.5 लाख पर, तो ये जो शर्तें हैं उसके कारण 1-2% बहनों को इसका लाभ मिल पाएगा। कुल मिलाकर ये केवल और केवल महिलाओं को बेवकूफ बनाना है। माननीय कमलनाथ जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम 1500 रुपए महीना यानी 18000 रुपए साल के देंगे। तो अभी तो मध्य प्रदेश सरकार 1000 रुपए देने की नहीं, अभी पहले आए तो बहनों के खाते में शर्तों के चलते उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला।